और कांग्रेस के बीच अन्य दल के लोगों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी सांवेर निर्वाचन कार्यालय पर अपना नामांकन जमा किया, जहां उन्हें भी जीत की आशा है। 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मतदान के पूर्व प्रत्याशियों के नामांकन लगातार जमा हो रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस व बीएसपी के बाद निर्दलीय प्रत्याशी मांगलिया के रहने वाले देवकरण चौहान ने अपना नामांकन पर्चा तहसील कार्यालय में जमा किया, जहां पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि युवाओं की स्थिति दोनों ही सरकारों में ठीक नहीं रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है, सांवेर की जनता जागरूक है और वह इस बार जाग जाएगी और निर्दलीय प्रत्याशी देवकरण चौहान यानी कि उन्हें ही जिताएगी। इस दौरान उनके प्रस्तावक अंकित गुप्ता भी साथ रहे। उन्होंने भी कहा कि वह घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और ये चुनाव जीतेंगे। सांवेर विधानसभा से निवासी हूँ और मैं विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे देश की, मेरे सांवेर क्षेत्र की जो हालत है उसको देखते हुए, जो नेताओं तो हमें पार्टी बदल रहे, पैसे कमा रहे हैं, पर सांवेर क्षेत्र का देखे तो विकास ही नहीं हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ गड्ढे ही गड्ढे, मेन चौराहे पर ही गड्ढे नहीं भरा रहे, वो अपनी जेब भर रहे हैं। आपके बारे में पूरा बताया, परिचय, आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से हैं, क्या है? मैं मांगलिया निवासी, मांगलिया क्षेत्र से हूँ, देवकरण चौहान। मैंने पढ़ाई 10वीं तक करी है और मैं काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कितने लोग आपके साथ आए हैं, आप नामांकन भरने आए हैं? मेरे साथ में 10 लोग आए हैं। नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। क्या कहेंगे आप, बीजेपी और अभी बीजेपी के लोग आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में आए, उन्होंने नामांकन भरा? अब ये तो देखो उनका पैसों का खेल है, जब भी उनके साथ में इतने जनता इकट्ठी हुई है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, आप कितने वोटों से जीतेंगे? चुनाव को लेकर देखो तो वोटरों के ऊपर अगर जनता जग गई तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं। पूर्ण विश्वास है जनता पे कि हम ये चुनाव, पहले भी आप चुनाव लड़े क्या कभी? नहीं, हम पहले नहीं, पहली बार चुनाव लड़े। युवाओं को जागरूक करने का उद्देश्य आपका चुनाव? क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य है कि युवाओं को दूसरे के झंडे थोकना बंद करो, अपने लिए कुछ करो, अगर करना है तो। सांवेर में बेरोजगार बहुत घूम रहे, सांवेर ही नहीं हर क्षेत्र में बेरोजगार बहुत घूम रहे। आपका नाम बोल रहे? देवकरण चौहान। माता बहनों और बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मैं सांवेर निर्दलीय विधायक देवकरण चौहान की तरफ से प्रस्तावक हूँ। मैं सांवेर विधानसभा में निर्दलीय विधायक देवकरण चौहान प्रत्याशी, जो प्रत्याशी है, युवाओं ने मिलकर उसे खड़ा किया है। युवाओं की टीम इस बार विद्रोह कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने जो ये बिकाओ वाली राजनीति चालू करी है, इससे देश को जो एक साल का सांवेर क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, आज भी ये सांवेर क्षेत्र में रोड अभी जब चुनाव है तब बन रही है और 5 साल में अब आ रहे हैं। अभी लॉकडाउन में ये सारे नेता कहाँ गए थे सांवेर में? आज बच्चे, गरीब लोग पैदल गए हैं यहाँ से, तब बसें नहीं थी, आज लाखों की भीड़ बसों में लाई जा रही है भर भर कर। क्यों ला रहे हैं ये? पहले बस क्यों नहीं चलाई? आज भी ट्रेन, लोकल ट्रेन चालू नहीं हो रही है। गरीबों के लिए 1500-2000 रुपए की एक एक टिकट लेकर लोग घर जा रहे हैं। आधे आधे महीने की सैलरी देकर लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। मेरे सामने की बात है, मेरी कंपनी में एक चौकीदार था, वो अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए उसको बस नहीं मिली, 2-व्हीलर से जा रहा था, रास्ते में उसका मक्सी में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अब कांग्रेस, मेरा नाम अंकित गुप्ता है, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ जनता को धोखा दे रही है और जनता के हर बार जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतेगा वो क्या सांवेर का, क्या पूरे मध्य प्रदेश का और क्या देश का विकास करेगा? ये बात हमारी लोगों तक पहुँचे, जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे निर्दलीय विधायक को सपोर्ट करें, देवकरण चौहान, जो युवाओं के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिले।